मामा को निकाला है। नौकरी से निकाला है। मैं एक APS की टीचर हूँ जो कि 10 साल से इधर इनको मैंने अपनी काबिलियत से इनको अपना एक जिंदगी का पूरा अरसा दिया। इन्होंने हमें मेंटली हर तरह से इन लोगों ने हमें थकाने की कोशिश की लेकिन हम नहीं थके। इन्होंने ये कहा कि आप लोकल टीचर्स हैं, लोकल यानी आप हमें ये कहा गया कि आप पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं, हम फिरौन बन के आपको सीधा करेंगे। एक प्रिंसिपल पंजाब से कोहाट से आके वो ये कहती हैं हम फिरौन बन के आपको सीधा करेंगे। तो उन्होंने अपनी फिरौनियत दिखाई, हमारे बच्चों के मुंह से नवाला छीना, हमारी इतनी अगर हमारे पास इतना फाइनेंशियली मसला नहीं होता तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। अब हम अपनी रुदात किसको सुनाएं? उन्होंने हमें लोकल और नॉन लोकल करके स्कूल से निकाला गया। अब ये कह रहे हैं आप मारती थी बच्चों को, इस बात पे निकाला है। तो मेरे पास ऐसे टीचर्स के हैं जो डिप्टी सेक्शन हेड पे थे जिनको तीन तीन वार्निंग्स दी गई। अगर वो ये कहते हैं आप पढ़ा नहीं सकती थी, ऐसे टीचर्स के हमारे पास ऐसे एविडेंसेस है, वार्निंग लेटर्स हमारे पास फोटोकॉपी में है जो हम आपको दिखा सकते हैं, अभी जो सेक्शन हेड बन के बैठी है। कितने टीचर्स को निकाला है? हमारे तकरीबन इस ये 2023 का जो साल था इसमें 15 टीचर्स को हरास करके जबरदस्ती रिजाइन कराया गया। हरास यानी इनको मेंटली टॉर्चर करके उनको पागल करा के उनसे रिजाइन लिखवाया गया। 15 टीचर्स को टर्मिनेट किया गया। ये किसी इदारे में नहीं होता कि आप 2 बजे किसी टीचर को बुलाते हैं और अंदर कहते हैं कि आप फारिग हैं। उसी टाइम पे 2 टीचर्स को बेहोश हो गए हैं जो कि अभी तक अस्पताल में हैं, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है। अब बस वजह ये है कि हम लोकल से अपने लोकल बच्चों को हम आगे प्रमोट करना चाह रहे थे और ये लगे हुए थे ऑफिसर्स के बच्चों पे जो हम इनके साथ नहीं मिले। तो ये ज्यादती की वजह से हमें निकाला गया कि हम ज्यादती करें अपने बच्चों के साथ, लोकल बच्चों के साथ। एक साल में एक बच्चे की फीस 70% इजाफा हुआ जिससे स्कूल के अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया गया। अब नई टीचर ली गई हैं, एक टीचर की तनख्वाह से 3 टीचर्स भर्ती हुए जो कि कल के आए हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फारिग बच्चियां हैं। अब उनका तजुर्बा होके पढ़ाने तक हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का कौन हमें वो देगा? आपका क्या मुतालिबा है, किससे मुतालिबा है? हमें ये मुतालबा है अगर हमारे साथ इंसाफ होता, हमारे साथ इंसाफ हो, इंसाफ रखें, हमारे 10 सालों की जिंदगी का अजाला जो हमने इधर किया है निकालें, हमारा हमें वो अजाला दे दें, हम अपनी नौकरी हमें बहाल चाहिए। और बाहर ये बात फैलाई टीचर्स नालायक थे, अगर मैं नालायक थी आज मेरा बच्चा मैं 1 में थी और वो बच्चा मैट्रिक में पहुंचा है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट बने, कोई आपके CRs बने, हाउस कैप्टन बने, आज वो बच्चे भी हमारे साथ खड़े हैं। दिलाने अंकल आप स्टूडेंट हैं? जी हाँ। APS की? जी। तालिबे इल्म हो तो मैं यहाँ पे इस वजह से आई हूँ क्योंकि जो हमारी अच्छी अच्छी जो काबिल तरीन टीचर्स थी उनको निकालने के लिए निकाला गया है और जो बाकी जो हमारे लिए मेहनत करती थी हमें पढ़ाती थी उनको निकाला गया है, जो अच्छी अच्छी टीचर्स थी उनको निकाला गया है और जो बाकी जो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाती थी उनको रखी गया है, सिफारिश ही लाया गया। सर हम अपनी टीचरों को इंसाफ दिलाने आए हैं। यहाँ पर कुछ टीचरें 10 साल 20 साल 11 साल पढ़ाने के बाद उन्हें कहा जाता है कि ये इनको नहीं आता, इनको पढ़ाना नहीं आता। अभी जो नई टीचरें आए अभी इनको याद आ रहा है कि इनको पढ़ाना नहीं आता। जब इन्होंने डेमो क्लासेस दी थी, जब इन्होंने पहले पहले आए थे कि हमें यहाँ टीचर बनना है, तब उनको ख्याल नहीं आया कि ये पढ़ाती सही से नहीं है। और जिनको पढ़ाना आता है उन्हें निकाल दिया और जिनको कुछ नहीं आता वो आ गई है पढ़ाने के।